हाँ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुरहानपुर में पुलिस सक्रिय, और हम बात करें कोरिया का हमारे कार्यक्रम में एएसपी अंतर सिंह सर, क्या कुछ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है? एसपी साहब के निर्देशन में है, पूरा उनके सुपरविजन में चल रहा है। हमारे ज़िले में जो बाहर का फोर्स आया है लगभग 1000 के आसपास बाहर का बल हमको मिला है, जिसमें 4 कंपनीज मिली हुई है जो आर्म्ड कंपनीज होती है, तो उसी में से आज 2 कंपनी का उपयोग करके हम लोग फ्लैग मार्च का प्लान किया है। कितना जो बल है इसके अंदर तैनात है? इसके अंदर लगभग 250 का बल है जो हमारे साथ में चल रहा है। अभी हम कोतवाली थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, इसके बाद हम गणपति थाना क्षेत्र और साथ में लालबाग के अलग अलग जो हमारे मुख्य क्षेत्र हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ हम लोगों ने फ्लैग मार्च का प्लान किया हुआ है। फ्लैग मार्च के माध्यम से क्या संदेश दे रही है पुलिस बुरहानपुर? फ्लैग मार्च के लिए यही है कि यहाँ पे काफ़ी सारा हमारे पास में फोर्स है, मतदान हम लोग शांतिपूर्वक करवा लेंगे, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस होता है तो उससे निपटने में हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है, तो त्वरित कार्रवाई करेंगे, यही संदेश है जनता के लिए। सामाजिक तत्वों को लेकर आप क्या कहेंगे उनको, क्या निर्देश, क्या अपने सख्त देंगे उनको? जो मेनली हमने जो चिन्हित किया था सामाजिक तत्व, उनका हमने काफ़ी सारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करवा ली है, साथ में जिला बदर की कार्रवाई भी हुई है, एनएसए भी हमने करवा लिया है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी जो मुख्य बदमाश हैं उनके ऊपर हो चुके हैं। सर सीआरपी जो बाहर से मिला बल और बुरहानपुर का बल मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा ये? देखिए ये हमारे पास में बाहर का ही बल 900 से 1000 के बीच में बाहर का बल हमारे पास में है जी, साथ में ज़िले का बल भी है उसमें, तो लगभग 1500 के ऊपर हमारे पास में फोर्स है इस चुनाव को कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा हमने बात किया है बुरहानपुर पुलिस से, एएसपी से, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से जो बल मिला है, और लगातार देख रहे हैं कितना लंबा ये फ्लैग मार्च चल रहा है। बाहर से भी पुलिस ने जो है बल मिला है, खास बात यह कि 900 से अधिक जो है बाहर से जवान सीआरपी के मिले हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अदा खान, बीएनसी मीडिया बुरहानपुर।